सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस स्वागत है आपका एक और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको इन गेम बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है। तो गाइस ये वीडियो पूरी तरीके से स्मोक ग्रेनेड के ऊपर रिलेटेड होने वाला है। आप इन गेम स्मोक का इस्तेमाल किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सिंपली गाइस यहां पर देख सकते हो, ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो एनिमी अगर होगा यहां पर अपार्टमेंट में कोई भी रश करेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देख सकते हो। यहाँ पर सामने की तरफ आपको बस स्मोक्स वगैरह दिख रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर स्मोक का इस्तेमाल कर सकते हो। बट गाइस ये है कि गाइस आप इस स्मोक को गाइस इनविजिबल कर सकते हो। वो किस तरीके से गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्मोक के अंदर कोई एनिमी लेटा हुआ है और गाइस वो मेरे को डैमेज दे रहा है, बट यहाँ पर वो बिल्कुल वो स्पॉट नहीं हो रहा है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई अपार्टमेंट के ऊपर रश करता है तो आप इस तरीके से आप स्मोक फेंक सकते हो और गाइस उसके अंदर यहाँ पर लेट सकते हो। तो गाइस ये तो है एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये ट्रिक करना कैसे है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अगर गाइस यहाँ पर देख सकते हो सामने की तरफ कोई भी आएगा तो गाइस वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि सामने की तरफ कोई बंदा लेटा हो सकता है ओवन में इस तरीके से। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्मोक ग्रेनेड लेना है, उसको लोटस पे करके अंदर की तरफ रूम में आपको ये स्मोक फेंक देना है और गाइस उसके बाहर वाली दीवार के पास आपको लेट देना है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं किस तरीके से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, इतने गैप के एरिया में आपको लेटना है। और गाइस यहाँ पर लेटने के बाद आपको एफपीपी में स्विच कर देना है। एफपीपी में स्विच करते आप देख सकते हो बिल्कुल स्मोक जो बिल्कुल इनविजिबल हो चुका है। यहाँ पर मेरे को स्मोक का एक पार्ट भी नहीं दिख रहा है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो एनिमी को मैं इजीली स्पॉट कर सकता हूँ। और अगर इसके अंदर कितने भी एनिमी अगर रश करते हैं तो वो बिल्कुल भी मेरे को स्पॉट नहीं कर पाएंगे और मैं उनको इजीली फिनिश कर देता हूँ। और अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर वो उनको पता भी चल जाएगा स्मोक के अंदर कोई, लेकिन गाइस वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाएंगे। और आप चाहो तो इसका इस्तेमाल पूरे स्क्वाड के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पूरी स्क्वाड है तो यहाँ पर स्मोक्स वगैरह फेंक सकते हो और यहाँ पर स्क्वाड के साथ लेट सकते हो, क्योंकि जो एनिमी होगा वो एक को मार सकता है बट गाइस वो सभी को नहीं मार पाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपका ट्रिक कमेंट कर जरूर बताना। अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर टू में। तो गाइस ट्रिक नंबर टू के अंदर इस तरीके जो हाउसेज है पोचिंगी के अंदर या फिर रैंगल मैप में कहीं पर भी इस तरीके के जो हाउसेज है उसके अंदर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस आमतौर पर क्या होता है कि जो एनिमीज है या भी हम भी है तो गाइस यहाँ पर टीपी भी लेते हैं इस गेट के पीछे यहाँ पे, या फिर ये जो जीना है इसके ऊपर। तो आपको सिंपली एक स्मोक लेना है, उसको लोटस पर करके सामने की रेलिंग के पास फेंक देना है और आपको यहाँ पर टीपी पे लेना है। और इस सामने से अगर कोई भी एनिमी आता है तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि जो मतलब एनिमी है वो ऊपर की तरफ कैंप कर रहा है, यानी जो हम है वो ऊपर की तरफ कैंप कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो टीममेट वो सामने की तरफ से आ रहा है और मैं उसको बिल्कुल स्पॉट नहीं हो रहा हूँ, और गाइस मैंने उसे इजीली स्पॉट कर लिया। और जब तक वो ऊपर आएगा मैं उसके पेटी बना दूंगा, यानी जो भी एनिमी ऊपर आता था तब तक उसके पेटी बन जाएगी। तो गाइस ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इस ये जरूरी नहीं कि गाइस आप इसका इस्तेमाल इस घर में ही करो, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर हाउसेज को फाइंड कर सकते हो। अलग अलग हाउसेज में गाइस अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर गाइस एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, जो मतलब मेरा टीममेट ऊपर में कैंप कर रहा है और मैं सामने से आया तो यहाँ पर बिल्कुल भी उसे स्पॉट नहीं कर पा रहा, और अगर मैं ऊपर आता हूँ तब मैं उसको देख पाता हूँ। और गाइस ये जाहिर सी बात है, अगर कोई ऊपर की तरफ आएगा तब तक वो फिनिश हो चुका होगा। तो गाइस ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक में, ट्रिक नंबर थ्री की तरफ। तो जगह ट्रिक नंबर थ्री हो गया इस तरीके के जो हाउसेज है, ये भी हाउसेज गाइस बहुत जगह पर रैंगल में है। आप चाहो तो पोचिंकी की बात कर लो या फिर रुजुक में, ये हाउसेज बहुत जगह पर है। अब आमतौर पर क्या होता है, यहाँ पर बंदे ऊपर की तरफ यहाँ पर कैंप कर रहे होते हैं या फिर इस साइड में यहाँ पर कैंप कर रहे होते हैं। ये गाइस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्मोक ग्रेनेड निकालना है और गाइस आपको लोटस पे करके सामने इस जगह पे फेंक देना है। और यहाँ पर जैसे ही स्मोक होता है अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा रश करता है तो गाइस वो आपको बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पाएगा, बट गाइस आप यहाँ पर उसको नीचे ईजिली देख सकते हो। इस ट्रिक का इस्तेमाल गाइस आप एंड जोन में या फिर कभी भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है। मैंने गाइस खुद इसका इस्तेमाल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा टीममेट है वो बिल्कुल मेरे को देख नहीं पा रहा है और गाइस मैंने उसे इजीली देख लिया। और गाइस यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर देख सकते हो एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, और गाइस मैं भी उसे बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पा रहा। और गाइस वो फायर कर रहा है तो उसके जो बुलेट्स के जो चिंगारियाँ होती हैं यानी जो स्पार्क होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और इसके वजह से आपके जो एनिमी है वो भी आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे। और अब ऊपर आता तो मेरे को ईजिली स्पॉट हो चुका है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, और गाइस ये इस ट्रिक को गाइस बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हो। अब चलते हैं ट्रिक नंबर फोर की तरफ। तो ट्रिक नंबर जो फोर है वो एंड जोन में आपका यूज़ आने वाला है। जैसे कि कभी भी आपका एंड जोन बन जाता है और गाइस दो तीन बंदे अलाइव होते हैं और वो बिल्कुल ओपन में जोन होता है और वो स्नेक्स बने हुए होते हैं, तो उनको फाइंड करना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप उसके लिए सबसे सिंपल गाइस, अगर आपके पास ग्रेनेड्स वगैरह है तो सिंपली आप उसके आसपास जो पेड़ पत्थर वगैरह हुए वहाँ पर उन मतलब ग्रेनेड्स को फेंक दो,
ताकि अगर वो उसके पीछे टीपी भी ले रहे हो तो इजीली मर जाएंगे। और अगर उस फेंकते समय आपको अगर छोटा सा जिगल करते रहना है, जैसे कि आप देख सकते हो पर छोटा सा जिगल कर रहा हूँ ताकि जो मेरे हैंड्स है वो ज़्यादा मतलब विजिबल ना हो और वो मेरे को स्पॉट नहीं कर पाए। अगर आप नॉर्मली अगर आप ग्रेनेड फेंकते हो तो आपके जो हाथ है यानी जो राइट साइड वाला जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है जिसके वजह से आप स्पॉट हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ग्रेनेड से तो मेरे को कोई बंदा मिला नहीं। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो, बग्गी या फिर कोई भी आपके पास गाड़ी हो, डाचिया यूएस कोई भी, तो आपको उसके पास एक स्मोक फेंकना है और उसके पास जाके उसके अंदर गेट इन कर लेना है। तो आप उसके अंदर गेट इन करने का जो होता होगा क्योंकि जो आपका जो कैमरा भी हो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा और आप इजीली स्नेक्स को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हो मेरे को जो एंड में वो स्पॉट हो चुका है और अगर मैं इजीली इस बग्गी से नीचे उतरूंगा और अगर मेरे को उसकी लोकेशन मालूम हो चुका है तो मैं उसको इजीली फिनिश कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने उसे इजीली मतलब फिनिश कर दिया है। हालांकि गाइस ये रूम था बट गाइस इस तरीके से आप रियल मैचेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और गाइस ये कॉम्पिटिटिव मैचेस में इस तरीके के जो ट्रिक्स है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो तो गाइस अगर इस तरह का जो वीडियो आपसे मिस ना हो तो गाइस बेल आइकन को ऑल पे कर देना। आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।